मॉर्निंग स्टूडेंट्स, बीएससी पार्ट थ्री में हम पढ़ रहे थे जीरोफाइट, डिफरेंट टाइप ऑफ जीरोफाइट या डिफरेंट क्लासिफिकेशन ऑफ जीरोफाइट हम अपने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे जीरोफिटिक अडेप्टेशंस। और इसमें से सबसे पहले हम पढ़ेंगे मॉर्फोलॉजिकल अडेप्टेशंस। मॉर्फोलॉजिकल अडेप्टेशंस का मतलब है बाह्य आकारिकी में ऐसे कौन से अनुकूलन पाए जाते हैं जो एक पादपों को जल की कमी में जीवित रहने में सहायता करते हैं, और ये अडेप्टेशंस इनके बाह्य भागों में होते हैं जैसे रूट। अगर हम इनकी रूट को देखें तो जीरोफिटिक प्लांट्स की रूट्स वेल डेवलप्ड होती है, बहुत अच्छा परिपक्व यहाँ पर विस्तृत सुविस्तृत जो है रूट सिस्टम होता है, और इनकी जो जड़ें हैं वो जमीन में बहुत गहराई तक अंदर जाकर बहुत ज्यादा शाखाओं के साथ अपना विकसित जाल बना लेती है जो ज्यादा जल के अवशोषण में इनकी सहायता करता है। इसके अलावा यहाँ पर जो रूट है उसकी ग्रोथ भी बहुत होती है, जो शूट के कंपैरिजन में रूट शूट रेशो है वो बहुत ज्यादा होता है। और ये जो ज्यादा रूट्स है ये ज्यादा वाटर एब्जॉर्प्शन में हेल्प करती है। इसके अलावा यहाँ पर रूट में रूट हेयर अबंडेंट पाए जाते हैं, ये रूट हेयर इनके जल अवशोषण में या ज्यादा जल अवशोषण में ये मदद करते हैं। तो यहाँ पर बहुत अच्छा सुविकसित जड़ तंत्र होता है, मुख्य जड़ मूल जड़ गहराई तक भी होती है, उसकी शाखाएं भी होती है, और अतिरिक्त शाखाएं बहुत ज्यादा शाखित होने से विस्तृत जाल बना लेती है, और उस पर भी मूल रोम ज्यादा होते हैं। कुल मिलाकर ज्यादा जड़ होने से ज्यादा अवशोषण कर पाती है। रूट की बात हम सेकेंड देखें तो सेकेंड है स्टेम। यहाँ पर स्टेम भी वेल डेवलप्ड होता है, और ये जो स्टेम है ये या तो एरियल होता है, वायरी होता है, या अंडरग्राउंड होता है जमीन के अंदर। और ये जो स्टेम है ये अंडरग्राउंड स्टेम जैसे पाया जाता है एलोवेरा में, अलॉय में या अगेव में, जहां पर की पत्तियां बहुत बड़ी होती है और अंडरग्राउंड स्टेम से निकली हुई होती है। ये अंडरग्राउंड स्टेम जनरली राइजोम होता है। ये जो स्टेम है ये एरियल स्टेम होता है, तो इसमें स्टेम हेयर बहुत ज्यादा पाए जाते हैं, और ये ज्यादा स्टेम हेयर होने से ये ट्रांसपिरेशन की दर को रिड्यूस करता है जैसे कि कैरोट्रोपस में। इसके अलावा ये जो स्टेम है ये ग्लैबरस भी हो सकता है, उसमें वैक्स लेयर भी हो सकती है, और कभी कभी यहाँ पर स्टेम में थॉर्न्स पाए जाते हैं, कांटे पाए जाते हैं, और ये कांटे जो है ये ट्रांसपिरेशन की दर को रिड्यूस करने का काम करते हैं जैसे यूफोर्बिया स्प्लेंडेंस। यूफोर्बिया स्प्लेंडेंस में स्टेम जो है वो थॉर्न्स में हो जाता है, या सोलेनम ज़ेंथोकार्पम ये जो थॉर्न है या जो स्तंभ में कांटे हो जाते हैं ये वाष्पोत्सर्जन को कम करते हैं और इनकी सुरक्षा का काम करते हैं। इस कुछ प्लांट में स्टेम फिलोक्लेड हो जाता है, इसका मतलब है स्टेम जो है
जैसे कि ओपनशिया में। तना चपटा, हरा और प्रकाश संश्लेषी हो जाता है। स्टेम के बाद अगर हम लीफ की बात करें, पत्तियों की, लीव्स जो है जनरली लीफ कैडिकस हो जाती है। कैडिकस का मतलब है शीघ्र पाती, बहुत जल्दी झड़ जाती है, फॉल हो जाती है, लीफ फॉल, अर्ली लीफ फॉल इनमें होता है। तो ये क्योंकि पत्तियां वाष्पोत्सर्जन करती है और पत्तियां नहीं होंगी तो वाष्पोत्सर्जन नहीं होगा, तो ये जो है वाष्पोत्सर्जन की दर को कम करने का काम करती है। जैसे लेप्टाडीलिया में, जैसे कैपेरिस में। इसके अलावा कैपेरिस में तना भी जो है हरा प्रकाश संश्लेषी हो जाता है। ये जो है पत्तियां कुछ प्लांट में स्पाइनी हो जाती है, जैसे हमने यूफोर्बिया और ओपेशिया में देखा कि तना चपटा हरा हो जाता है, तो इसमें पत्तियां जो है इनमें कांटेनुमा हो जाती है। कांटेनुमा पत्तियां होने से वाष्पोत्सर्जन की दर कम करती है और इसके अलावा इन पादपों की सुरक्षा का भी काम करती है चरने वाले जानवरों से या कैटल से। यहाँ पर कुछ प्लांट्स में लीफ जो है ग्लैमरस हो जाती है। ग्लैमरस का मतलब है लीफ जो है वो शाइनी हो जाती है और इससे भी वो जो लाइट है उसको ज्यादा रिफ्लेक्ट करने का काम करती है। कुछ प्लांट्स में लीफ के ऊपर वैक्स की लेयर भी पाई जाती है। ये एक्स्ट्रा डिपोजिशन ऑफ वैक्स जो है ये ट्रांसपिरेशन को कम करने का काम करता है। ये जो प्लांट्स हैं इनके अलावा कुछ लीव्स जो है कर्व हो जाती है, कुंडलित हो जाती है, और ये जो पत्तियां हैं ये कुंडलित होके इस तरह से स्ट्रक्चर बना देती है कि स्टोमेटा जो अपर सरफेस पर है वो अंदर की तरफ हो जाते हैं और वाष्पोत्सर्जन जो है वो कम करते हैं। तो इसका एग्जाम्पल है सामा लीफ, ओवा लीफ और कुछ ग्रास जो है उनमें भी ये कर्लिंग वाला फिनोमिनन पाया जाता है। तो ये जो सारे के सारे मॉर्फोलॉजिकल अडेप्टेशन है इनका एक मोटो है, इनका एक ऑब्जेक्ट है कि टू रिड्यूस रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन या टू रिड्यूस वाटर लॉस या पौधे को कम पानी में जीवित रखने के लिए अनुकूलन करना। ये जो भी अनुकूलन है रूट स्टेम लीफ ये सब इस तरह से है कि कम पानी में पौधा अपनी जल की आवश्यकताओं की पूर्ति करके खुद को अच्छे से जीवित रख के सारी अपनी बायोलॉजिकल एक्टिविटी कर पाए। तो ये है मॉर्फोलॉजिकल अडेप्टेशंस। अगर हम एग्जांपल देखें मॉर्फोलॉजिकल अडेप्टेशन में तो हम देखते हैं ओपनशिया। ओपनशिया को हम नागफनी भी कहते हैं क्योंकि इसका स्ट्रक्चर जो है ये इस तरह का होता है नाक के फन का। ये जो है ये यहां पर फिलोक्लेड है। फिलोक्लेड का मतलब है फ्लैट ग्रीन स्टेम और इस के ऊपर ये जो है ये यहां पर लीव्स है जो कि स्पाइंस में मॉडिफाई होगी। तो
ये है इसमें स्पाइनी लीव्स। बाकी का नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।